ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को बताओ क्या, लास्ट एपिसोड में हमें ट्रेवर मिल गया था, यानी कि ट्रेवर को हम छुड़ा कर ले आए थे रिसर्च सेंटर से, क्योंकि वहां पर उसे पुलिस वालों ने कैद कर रखा था। अब भाई ना उसके पास पैसा है, ना कुछ भी नहीं बेचारा, बेचारा पूरा लूट चुका है। बस उसका गाँव में घर है पुराना सा, वो भी घर नहीं, पूरा टूटा फूटा भंगार सा है, लेकिन अभी फिलहाल वो वहीं रहता है। अभी उस 2-3 दिन से वो फ्रैंकलिन के घर पर रह रहा है जब से वो वहां से आया है। तो अभी जो है ट्रेवर के लिए हमने चोरी करने का एक प्लान बनाया है बैंक के अंदर। अब उसके पास सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा लेस्टर के पास। लेस्टर हमें पूरा प्लान बताएगा कि तुम्हें किस तरीके से एंटर होना है, किस गेट से जाना है और कैसे चोरी करनी है, सब कुछ जो हमें लेस्टर बताएगा। तो सबसे पहले हमें लेस्टर के घर जाना पड़ेगा, फिर वहां से फ्रैंकलिन के घर पर ट्रेवर बैठा हुआ है, तो वहां से ट्रेवर को उठाएंगे, फिर चलेंगे बैंक में रोबरी करने। तो यार आज की जो वीडियो है यार बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो अभी कभी लाइक कर देना, और जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक कर आ रहा है @ujjwalgamer तो जाके फॉलो भी कर लेना। तो चलो यार अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और यार अभी आप माइकल को देख पा रहे हो यार, मतलब कि एकदम अलग ही कपड़े पहनकर बैठा हुआ है, पूरा हेलमेट लगा रखा है ब्लैक कलर का, मतलब पूरा शरीर ढक रखा है ताकि यार इसको कोई पहचाने ना, वरना पहचान लेगा तो भैया बाद में पुलिस ना पकड़ ले, दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले मैं हम जाने वाले हैं लेस्टर के घर पे, क्योंकि लेस्टर ही सारा प्लान हमें बताने वाला है। तो अभी हम जाएंगे सबसे पहले लेस्टर के लैम्बोर्गिनी से, क्योंकि अभी कोई चोरी वोरी नहीं करने जा रहे, सबसे पहले हमें पूरा प्लान पता करना पड़ेगा। तो लेस्टर का घर एक बारी मैं मैप में मार्क कर लेता हूं, गाड़ी पहले बाहर निकालनी पड़ेगी। ओके, तो भाई साहब लैम्बोर्गिनी चलाने का अलग ही मजा, काफी दिनों बाद चलाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि यार पहले फ्रैंकलिन ने चुरा रखी थी, फिर क्या क्या सीन हुआ पूछो मत, पुलिस वालों ने जब्त कर लिया, फाइनली वो दिन आ गए जिस दिन हमें लैम्बोर्गिनी चलाने का मौका मिल रहा है। तो भी सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें लेस्टर के घर पर। तो ये है लेस्टर का घर, भाई काफी दूर है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा भी आ जाएगा थोड़ा। सुबह उठा है भाई माइकल, अपना रेडी भी हो जाएगा। और यार मैंने ना ड्राइवर को भी बोल दिया कि वो जल्दी से एक बाइक का जुगाड़ कर ले और जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि भैया सीधा मैं लेस्टर से बात करके आऊंगा और सीधा ड्राइवर के साथ चलना चोरी करने। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले चलते हैं पहले लेस्टर के घर पे। और भाई गाड़ी तो पूरी आज उछल रही है, काफी दिनों बाद हमने निकाली, सर्विसिंग वगैरह करवानी पड़ेगी यार, वरना क्योंकि गाड़ी जो है बहुत ज्यादा खराब सी हो जाएगी, तो इसलिए सर्विसिंग वगैरह करवा देंगे अभी बीच में टाइम मिलेगा तो। तो ओके, अभी भाई हमारी गाड़ी हाईवे पर आ चुकी है, और हाईवे पर चलाने का ना मजा ही अलग है, मतलब उड़ती है गाड़ी। ओके, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना था, चलो कोई नहीं, आगे वाले कट से ले लेंगे, आगे भी सेम रास्ता ही है। बाकी भाई साहब गाड़ी चलाने का ना कसम से मजा ही अलग आता है यार हाईवे वगैरह पर, बट यार हाईवे का रास्ता बहुत छोटा था, अभी हमें फिर से पतली गलियों में जाना पड़ेगा इस लैम्बोर्गिनी को लेकर। कोई बात नहीं, चलते हैं। बाकी यार ट्रेवर ना भी बेचारा बिल्कुल ही गरीब हो रखा था, मतलब उसके पास $100 है, वो भी शायद से उसे फ्रैंकलिन ने ही दिए हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आज की जो चोरी है रोबरी है बैंक के अंदर अगर सक्सेसफुल होती है तो भैया ट्रेवर भी अमीर हो जाएगा, और ट्रेवर को घर भी दिलाना है तो आज ही उसको घर भी दिलवा देंगे, तो भाई ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको घर भी दिलवा देंगे चोरी भी अगर कंप्लीट हुई तो। बाकी तो लेस्टर का घर यहाँ से आने वाला है, काफ़ी छुप के रहता है पता है लेस्टर, बहुत ही खतरनाक एरिया में रहता है जहाँ पर पुलिस वगैरह वाले कम आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गुप्त एरिया है। लेकिन चलते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो चलो यार बस हमें आगे से राइट लेना, और लेस्टर का जो घर आ जाएगा देख लो भाई सब, कैसे से एरिया में रहता है लेस्टर, मतलब कि एकदम ही छुप के रहता बंदा पूरा। और भाई बस आगे ही है लेस्टर का घर, और ये खड़ी लेस्टर की कार, तो मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ और चलते हैं पहले लेस्टर से बात करने की, क्या सीन है, कैसे जाना है, क्या क्या करना है। ओके, मेरी गाड़ी का गेट खुला रहेगा, गाड़ी का गेट बंद कर देता हूँ, वरना भैया चोरी वोरी हो जाएगी अंदर, महंगा सामान है गाड़ी का, कोई भी बंदा सामान वान निकाल के ले जाएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी चलते हैं सबसे पहले लेस्टर से बात करते हैं क्या सीन है। ओके, तो यहाँ पर हमें लेस्टर अपनी सारी बातें बता रहा है, क्या क्या सीन है, कैसे कैसे जाना है। ओके, तो लेस्टर से हमने यहाँ पर सारी बात कर ली, और ये देख लो भाई साहब लेस्टर का घर एकदम ही हैकर वैकर वाला है भाई साहब, देख लो कितनी जगह पर इसने अपने CCTV कैमराज लगा रखे, कितने सारे मॉनिटर्स हैं इसके घर में भाई, 3-4, और एक साथ ये लैपटॉप भी है, एक टीवी स्क्रीन भी है भाई, ये बहुत ही खतरनाक बंदा है, मतलब कि भाई क्या क्या लगा रखा है भाई, ये सबको क्रैक करके रखता है, बाहर भी CCTV लगा रखे इसने बहुत सारे। तो भी चलो यार सबसे पहले तो इसके घर से बाहर निकलते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लेस्टर से बात कर ली, और लेस्टर अब यहाँ से जा चुका है। तो यहाँ पर आप लेस्टर का ना एक बारी घर देख पा रहे हो, मतलब कि सामने देखो मॉनिटर इसने कितने सारे लगा रखे हैं, और पीछे की तरफ भी एक मॉनिटर है, कितने सारे CCTV लगे हैं, कितने सारे TV है इसके घर में, और ये बैक साइड में क्या है पता नहीं, बैक साइड में शायद कुछ एसिड वैसिड का कोई काम कर रखा है। और आगे की तरफ देखते हैं क्या भाई साहब इसने क्या क्या कर रखा है भाई, इधर एक टीवी स्क्रीन है, इधर एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, चलो यार निकल लेते हैं वरना कहीं पता लगे लेस्टर हमें मारने लग जाएगी, तू मेरे सारे राज खोल रहा है। और पीछे भी यहाँ पर बैट इसने लेस्टर ने, ये देख लो भाई साहब सुपरमैन वगैरह ये सब रखे हुए हैं भाई साहब, शायद इसको अच्छे लगते होंगे। चलो यार अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी लेस्टर ने हमें पूरा प्लान बता दिया है, अब बस हमें वहाँ पर जाके चोरी करनी है। ओके, तो हमारी गाड़ी कहाँ गई, ओके बाहर की तरफ हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अच्छा शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। ओके, सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, आराम से सुट्टे उट्टे मार रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन के घर, क्योंकि जो ट्रेवर है वो इस टाइम फ्रैंकलिन के घर पर ही रह रहा है 2-3 दिन से। अब वहाँ पर जाएंगे, उस ट्रेवर को उठाएंगे, ट्रेवर को लेकर चलेंगे बैंक के अंदर,
और देखते हैं क्या सीन होगा वहाँ पर। अगर फ्रैंकलिन का चलने का मन हुआ तो फ्रैंकलिन को भी ले चलेंगे, वही यार दूसरी वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि इस गाड़ी में तो यार एक बार में दो ही बंदे बैठते हैं। बाकी तो अभी चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर पर। और भाई साहब हाईवे पे चलाने का मजा अलग है। अब यहाँ पर ही वाला हाईवे शायद से सीधा फ्रैंकलिन के घर के पास ही निकलेगा मेरे हिसाब से, मतलब वहाँ तो नहीं निकलेगा लेकिन हमें राइट कट से वहीं को जाएंगे। ओके तो यहाँ से हमें राइट लेना है और चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर पर। ओके तो चलो यार अभी फिलहाल हम उसके घर के पास पहुंच चुके हैं, बस आगे वाले कट से लेफ्ट लेने और फिर से वही अपने शिमला वाले रोड आ जाएंगे। बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब फ्रैंकलिन काफ़ी सही एरिया में रहता है। पहले मेरे को लगता था उसका घर घटिया जगह पे है लेकिन यार उसका घर तो काफ़ी सही एरिया है, वो भी एकदम शांत एरिया, सुनसान एरिया है, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यार भीड़ भड़के वाले एरिया में शोर बहुत होता है। बाकी जो उसका एरिया ना वहाँ पर उस रोड पर भाई गाड़ी वाड़ी जाती नहीं, एकदम शांत एरिया है। ओके तो यहाँ से भी हमें लेफ्ट लेना है। अब यहाँ पर सामने ही है वैसे तो बच गए भैया, अभी गाड़ी ठुक जाती अपनी बुरी तरह। बाकी तो लेकर चलते हैं, खर्चा बैठ जाएगा भाई, लैम्बोर ने ठुकी ना गदर वाला खर्चा बैठ जाएगा। बाकी अभी यहाँ से हमें यू टर्न लेना है और यार गाड़ी हल्की सी भी स्क्रैच आ जाता है ना यार, चलाने का मन नहीं करता। गाड़ी एकदम साफ सुथरी हो तो मज़ा भी आता चलाने में। ओके तो गाड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी अच्छी जा रही है इसके घर के पास से। बाकी तो आ गई है, ये आ गया फ्रैंकलिन का घर। यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और ड्राइवर शायद अंदर ही बैठा होगा तो ड्राइवर को बुला लेंगे सीधा बाहर ही। अगर बाहर आएगा तो ठीक है वरना हम अंदर चल के उसे बुला लेंगे, क्या पता कॉल वॉल ना उठाए हमारी। तो चलते हैं सीधा पहले ड्राइवर के पास अंदर। ओके तो चलो यार चलते हैं, सबसे पहले बुला लेते हैं, भैया गेट खोलो कोई। अरे कोई गेट ही यार गेट लॉक करके लग रहा है दोनों सो रहे हैं, तो मेरे को दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। बाकी तो एक रास्ता इनके घर का ये भी है, अब देखते हैं कहाँ पर आए दोनों, कहाँ पर ऐश कर रहे हैं। मतलब कि भाई साहब गेट वेट ही नहीं खोल रहा, कोई मतलब ही नहीं है घर के अंदर कोई भी आए क्या करना है। रुक जाओ शायद अपना नीचे होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऊपर तो कोई भी मेरे को नज़र नहीं आ रहा, दोनों डोर पूरे खाली पड़े हैं तो शायद ये लोग नीचे चिल मार रहे होंगे, मैं कन्फर्म हूँ। नीचे चलते हैं, चलो पता नहीं भाई ऊपर तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा, उसका डॉग भी मेरे को नज़र नहीं आ रहा, कहाँ चले। ओके तो ये बेटा फ्रैंकलिन, अबे तेरी भैंस की कब से बुला रहा हूँ। ओके तो भाई इस टाइम इसने पूरा ड्रंक कर रखा है, इसे होश ही नहीं है। ओके तो चलो यार से सोने देते हैं, बेचारे को मैंने गिरा दिया, सॉरी फ्रैंकलिन। ओके तो ड्राइवर भी अंदर बैठा है, हेलो ड्राइवर चलो। ओके तो ड्राइवर को मैंने बोला था कि यार एक गाड़ी का जुगाड़ करके रखियो, देखते हैं भाई इसने कोई गाड़ी वाड़ी का जुगाड़ करके रखा या फिर नहीं रखा, तो एक बार चल के देखते हैं फ्रैंकलिन के गैराज में। ओके तो फ्रैंकलिन के, ओके यार फ्रैंकलिन का गैराज तो हमारे लिए लॉक्ड है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते, तो क्या पता इसने कहीं और गाड़ी खड़ी करी हो। भैया कहाँ खड़ी करी है बता दे। भाई साहब कुछ भी कहो यार ट्रैवर बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग का है, इसको मैंने बोला था एक ऐसी गाड़ी का जुगाड़ करके रखे हो जिसको मतलब हम चुरा के भागे तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यार लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी यार कल को रस्ते में चोरी वोरी हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस भाई साहब ने एक बंदे की हायाभूसा चुरा के रखी है और उसको पूरा का पूरा मॉडिफाइड भी करवा दिया, मतलब कि यार देख रहे हो क्या लुक आ रही है। चलो कोई बात नहीं यार, जितना सही है उतना ही बढ़िया, अभी यहाँ पर हमारे पास एक हायाभूसा का जुगाड़ हो गया है तो अभी इस हायाभूसा को लेकर चलते हैं सीधा वहाँ पर और वहाँ पर जाकर अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। एक तो यार इस ड्राइवर ने गाड़ी को इतनी अंदर लाकर खड़ा कर दिया, मतलब यार इससे बढ़िया फ्रैंकलिन से चाबी ले लेते हैं यार उसके गैराज की, पता नहीं यार वो नशे में शायद उसको होश नहीं होगा इसलिए इसने चाबी अभी नहीं ली। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी फ्रैंकलिन अगर इतना तगड़ा है ना यार गाड़ी निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके तो यार आराम से हमारी गाड़ी निकल गई है, अब एक बार मैं बैंक देख लेता हूं यहां से कितना दूर है यार, बाइक जो है ना बहुत ज्यादा तगड़ी है। ओके तो बैंक भी हमारे घर से काफी पास ही है तो चलते हैं अभी सीधा बैंक पर, यहां से गाड़ी मेरे को मोड़नी पड़ेगी। भाई साहब क्या कहते हो गाइस, माइकल को वाली बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं, इससे भी तगड़ी बाइक आती है एक हायाबूसा का, ऐसा ही मॉडल है सेम, बाकी इससे अलग कलर होगा। भाई क्या साउंड है यार बाइक का, मतलब अलग ही साउंड आ रहा है और इंजन का, भाई ओ भाई साहब मज़ा आ रहा है यार इसको चलाने में, मुझे नहीं पता था कि बाइक चलाने में भी इतना मज़ा आएगा, बाकी तो मैं हमेशा कार ही चलाते रहता था। बाकी यार ये बाइक तो बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है। तो चलो यार अभी हम बैंक यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपनी हमें ना बाइक एकदम सेफ पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि बैंक से चोरी करके भागना है उसने, जितना हमें लेस्टर ने बताया बैंक में हमें चोरी करके भागना है और उसने हमें इतना बताया कि भाई हमें अटैक करके चोरी करनी है, चुपके से चोरी नहीं करनी, ऐसे चोरी नहीं करनी किसी को पता ना चले, पूरी एकदम खुली चोरी मारनी है और सीधा निकल लेना है। ओके तो अभी मैंने यहाँ पर गाड़ी जो है चुपचाप से पार्क कर दिया, कोई लेकर ना जाए, अभी चलते सीधा अंदर बैंक के। बैंक आप देख लो भाई, बैंक मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से कैसा, बहुत बड़ा बैंक है। तो भाई देख लो जो बैंक है ना जिसके अंदर हम चोरी करने वाले हैं उसका एक बार साइज देख लो तुम, मतलब कि भाई पूरा का पूरा लाल किला हो रहा है भाई, इतना बड़ा बैंक। और ये है इस बैंक का एंट्रेंस गेट एकदम कॉर्नर पे। अब यहाँ पर ट्रैवर भी पूरा रेडी है, सीसीटीवी वगैरह का तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं मेरे को नज़र आ रहा, बट शायद इन्होंने कहीं दूर दूर लगा रखे होंगे। तो चलो कोई नहीं, सीसीटीवी से कोई दिक्कत नहीं, हमने अपने जो हम मतलब कि जो फेस है पूरे के पूरे ढक रखे हैं। गाड़ी मैंने यहाँ पर सेफ पार्क कर दिया, बस हमें यहाँ पर से अंदर जाके चोरी करनी है। तो ओके गाइस अभी हम बैंक के आगे गन लेकर दोनों लोग खड़े हो चुके हैं, बस अब अंदर जाना है यार, जितनी भी पब्लिक वब्लिक है वो ना देख ले, तो चुपचाप से अंदर चलते हैं। अंदर दो दो सिक्योरिटी गार्ड हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें मारना पड़ेगा, अंदर की तरफ में ही है वो। ओके तो पुलिस वाला यहीं पर खड़ा हुआ है, भाई साहब मेरे को लगा थोड़ा दूर होगा, रुक जाओ इसको तो मैंने ले लिया। ओके भैया डर मत यार, ड्राइवर तो डर रहा है भाई, गोलियां ही चलानी है, खुद गन लेकर आया इतनी तगड़ी, मार इसको मार 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 ड्राइवर, रुक जा मैं ही मार देता हूँ।
चल तेरी भैंस की टांग, दो ही सिक्योरिटी गार्ड थे और दोनों को लपेटते, और ये क्या बंदा कर रहा है? ओ भाई इसने सायरन बजा दिया, ओए ओए बैठ जाओ कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा, पहली बता रहा हूँ बेटा, जो उठेगा उसकी गोली पड़ जाएगी, हिलना नहीं चाहिए, कोई चला के नहीं चलेगी यहाँ पे, ट्रैवर इनके दे दियो, जो भी उठे उसको मार दियो, सीधी बात है जो, ओके ओके नहीं मारूंगा, किसी को नहीं मारूंगा, बेचारे डर रहे हैं, कोई चलाकी नहीं करनी बस, मैं किसी को नहीं मार रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई चलाकी नहीं होनी चाहिए, ओके। तो सारी जितनी भी पब्लिक है वो शांत हो चुकी है। अब भाई देख ट्रैवर तेरे को क्या करना है, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं किसी को उठने नहीं देना, कोई चलाकी ना करे, और बाहर से पुलिस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तेरे को इतना सा काम दे रहा हूँ, बाकी मैं जा रहा हूँ चोरी करने, ओके। तो यहाँ पर भाई मैंने ड्राइवर को उसका काम दे दिया, भाई ड्राइवर जो है यहाँ पर सबको डरा कर रखेगा, देख लियो भाई ड्राइवर कोई उठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों ने गड़बड़ करी ना तो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ओके। शोर कौन मचा रहा है भाई, ये चिल्ला मत, चुपो चुपो, तुम्हारा भी यही हाल होगा बेटा, जो बोलेगा ना उसका यही हाल होगा, पहली बता रहा हूँ, कोई बोलना नहीं चाहिए तुम में से, ओके। तो गाइस अभी यहाँ पर हमने इनको शांत करा दिया, और ड्राइवर भी जो अपना काम वहाँ पर कर रहा है, मतलब कि सबके मत्थे पे गन रख रहा है, तो बेचारे ऐसे ही डरे पड़े, तो यार हमें मेन इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना यार, बेचारी नॉर्मल जनता है, इनको अपना खेलने दो, जैसे बैठे हुए हैं बैठे रहने दो, ओके। तो ये वाला गेट तोड़कर मैं अंदर आ चुका हूँ, और भाई साहब यहाँ पर पीसी वीसी लगा रखा है, तो मैं इनके सारे के सारे पीसी तोड़ दूंगा, ताकि कोई सीसीटीवी वगैरह का इशू ना हो, और ये लोग किसी भी तरीके से पुलिस वुलिस वालों को बता ना पाए हमारी लोकेशन वगैरह, तो ये लोग मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। बेटा शांत बैठे रहना, छोड़ूंगा नहीं, अगर जिंदा घर जाना चाहते हो तो यहाँ पर शांत बैठे रहो, वरना तुम्हारा ये हाल होगा, इसका करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हाल होगा तुम तीनों का भी। तो यहाँ पर ओके, तो तू मेरे पीछे क्या करने आ गया, तू वहीं पर जा, ठीक है, मैं नीचे चोरी कर आता हूँ। तो ये वाला भी हम गेट तोड़ देते हैं, और ड्राइवर शायद हमारे पीछे ही आना चाहता है, भाई देख ले अगर पुलिस वुलिस अंदर आएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर तू मेरे पीछे आ रहा है तो, बाकी तो चल आ जा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर वहाँ पर बैठेगा तो ज़्यादा बेटर है, ओके। तो ड्राइवर को तो यार मैंने वापस भेज दिया, क्योंकि यार होस्टेज को डराना बहुत जरूरी है, वरना पुलिस वाले आके हम पे सीधा अटैक कर देंगे। अब यहाँ पर ओके पीछे भी एक पीसी लगा रखा है, लो बेटा सब हटा दो, सारा सामान हटा दो, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक सेकंड, ओके ओके ओके, कंट्रोल पैनल हमें कंट्रोल करना है, यहाँ पर हैक करना है इस कंट्रोल पैनल को, देखते हैं कैसे हैक हो गए वाला, बाकी तो कोई तगड़ी सिक्योरिटी है, बाकी मैंने लेस्टर ने पूरा प्लान समझा के भेजा वहाँ पर जाके क्या करना है, ओके। तो मेरे को लाइनों को एकदम मैच कराना है, ओके, एक और को करा दिया, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, एक ही बार में कर दूंगा, तो मैं काफ़ी सिंपल है यार, चलो। तो भाई पांचों लाइंस को मैंने मैच करा दिया, अब ये शायद से ये वाला गेट खुलेगा, ये वाला गेट खुलेगा, ये तो शायद लिफ्ट है, ओके तो खुल जा प्लीज़, ओके गाइज ये वाला गेट जो है खुल चुका है, और यहाँ पर एक और गेट है शायद, इस वाले गेट को हम कैसे, ओके ओके, सेम टू सेम उसी तरीके से वाले गेट को भी हम जला कर तोड़ देंगे यहाँ पर, तो भाई काफ़ी सही है, अगर ये वाला भी गेट टूट गया तो मतलब मजे आ जाएंगे, और हमारी जो एंट्री है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे क्या है, मुझे कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है यहाँ से, बाकी अंदर ही चलकर देखते हैं, ओके भाई साहब गोल्ड, भाई इतना सारा गोल्ड है यहाँ पर, तो जल्दी से सारा का सारा उठा लेता हूँ भाई, देर नहीं करनी, देखते हैं कितना गोल्ड हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, कितना मिल जाएगा, बाकी पुलिस वुलिस आके छीन ना ले, मेरे को जल्दी से यहाँ पर चोरी करके निकलना है बाहर, जो है ड्राइवर यार पूरी कोशिश कर रहा है, वो भी पुलिस को अंदर अंदर नहीं आने देगा, और बंदों को ना वो जितना बंदों को डरा के रखेगा उतने ही बंदे जो इन्फॉर्म नहीं करेंगे पुलिस को, वरना अगर ऐसे ही छोड़ देना तो वो लोग यार पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, और पुलिस अंदर ही आके हमें मारेगी, पूरी की पूरी आर्मी आ जाएगी। तो यार बंदों को भी होस्टेज बनाना बहुत जरूरी था, और यहाँ पर भाई $2 मिलियन लगभग हमारे पास आ चुका है, तो क्या सारा का सारा उठा लूंगा भाई, मतलब मजा आ जाएगा, इसमें से 70% मैं ड्राइवर को दे दूंगा और बाकी खुद रख लूंगा, और थोड़ा सा फ्रैंकलिन वगैरह को भी दे देंगे जरूरत पड़ने पे, ओके। तो पूरे के पूरे $5 मिलियन के यहाँ पर हमने चोरी कर लिया, अगर आपको पता करना है रुपीज़ में कितना होगा तो आप इसे 69 से मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चोरी हुई है $5 मिलियन। अब यहाँ पर मैं अपनी एक गन निकाल लेता हूँ, क्योंकि यार बाहर पुलिस वाले होंगे तो पुलिस वालों को छोड़ना नहीं है, ओके। तो ड्राइवर भाई अब इन्हें छोड़ दे होस्टेजेस को, अब इनका कोई काम नहीं है, बाकी हमें जितना भी निपटना है पुलिस वालों से निपटना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इन होस्टेजेस को कुछ नहीं कहना, बाहर आ जा बाहर आ जा बाहर आ जा, ओके। तो मेरे को लग रहा है यार बाहर ना बहुत ज़्यादा पुलिस आ चुकी है, और ये शोर क्यों मचा रहे हैं यार, चुपचाप बैठो यार, दिमाग लगाने दो, ओके। मेरे को तो लग रहा है भाई बहुत पुलिस आ गई, ओ भाई डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, गेट वेट खोल देता हूँ, आगे चल कर देखते हैं क्या, ओके। ओ भाई साहब भाई 10, 12, 20 लगभग 20 पुलिस की गाड़ियां आ गई है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत सारी देखने में लग रही थी, यार पुलिस वाले अंदर ना आए बस, क्योंकि हम अंदर यहां पर आराम से बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं, तो मैं इनको अगर होस्टेज बना के रखूंगा तो शायद वो नहीं मारेंगे, तो बेटा गोली वोली नहीं मारना तुम, पहली बता रहा हूं मैं, शांति से ऑफिसर, शांति से आराम से हमें जाने दो, ओ भाई अच्छा जी ऑफिसर मैं बता रहा हूँ शांति से हमें जाने दो, ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम चाहने को तो यार ये लोग समझ नहीं रहे, ये लोग सोच रहे हैं हमें मार देंगे, बेटा ड्राइवर ये अभी बच्चे हैं, ये शोर कितना मचा रहे हैं, तुम चुप नहीं होगे तुम लोग, ओके। तो अच्छा बेटा निशाना, ओ भाई साहब ये भी तो एग्जिट है भाई, ओ या ये भी एग्जिट है ना, फायर एग्जिट है, अभी ड्राइवर मेरे पीछे, भाग क्या रुक जा ड्राइवर को नहीं मारना भाई, ड्राइवर को नहीं मारना,
भाई मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर एक एग्जिट और है। आजा आजा जल्दी आजा जल्दी। ओ इधर से भी लपेट दे कोई दिक्कत नहीं है। निकल निकल निकल। अपनी बाइक तो फिलहाल वहीं खड़ी थी तो हम पुलिस वालों को घुमा के ले आएंगे, कोई दिक्कत। ओ वापस अंदर अंदर चल अंदर चल ट्रैवल अंदर चल। बहुत दिक्कत है इधर, पुलिस वाले सारे दोनों साइड से आ रहे हैं। अंदर आजा अंदर आजा। भाई साहब हमें तो घेर लिया भाई, चारों तरफ से घेर लिया गया है। ओके तो मेरे को लग रहा है मुझे उसी गेट से एग्जिट हो जाना चाहिए। और जो चिल्लाएगा ना तुम में से उसका चुप हो चुप हो चुप हो, कोई बोलेगा नहीं, पहले बता रहा हूँ, कोई फालतू शब्द नहीं बोलना यहाँ। ओके तो ये लोग जितना शोर मचा रहे हैं ना पुलिस वाले उतना ही अग्रेसिव हो रहे हैं। बेटा मैं मुंह तोड़ डाल दूंगा ऐसी चीज़ों। भाई ट्रैवर जल्दी से आ जाए तो निकले यहाँ से, बाकी तो घेर लिया हमें चारों तरफ से। लेकिन मैं बेटा ऐसे वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं मुंह तोड़ने वाले बंदों में से हूँ। ओके तो चल 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 ट्रैवर जल्दी आ, ट्रैवर जल्दी आ, जल्दी जल्दी देर मत कर ट्रैवर भाई। बैठ 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 बैठ। ट्रैवर क्या कर रहा है? ओके तो ट्रैवर भी यहाँ पर बैठ गया, बस हमें यहाँ से निकलना है। और बाइक की स्पीड ही इतनी ज़्यादा, भैया गाली मत बक ट्रैवर भाई, अभी मारेंगे। ओके तो बस अभी हमें यहाँ से निकल जाना है और पुलिस वालों से पीछा छुड़ाना है। बाइक बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है, पुलिस वाले भैया पीछा तो क्या हमें देख तक नहीं पाएंगे, हम इतनी तेज निकले हैं 200 किलोमीटर की स्पीड से। भाई 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हम यहाँ से निकल चुके हैं। भाई साहब हम लेस्टर के घर पर आ चुके हैं, लेस्टर के घर पर ही चले जाएगा भाई। लेस्टर को ना पकड़ ले, मुझे इस एरिया से निकलना पड़ेगा भाई। मैं गाड़ी घुमाता घुमाता फ्लो फ्लो में लेस्टर के घर पर ही ले आया। बाकी अभी हम लेस्टर के घर पर नहीं जाने वाले, वरना पुलिस ज़्यादा गड़बड़ कर देगी। बाकी यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं हाईवे पे क्यों घूम रहा हूँ। पुलिस यार जितना मैं हाईवे पे घूमूंगा ना उतनी ज़्यादा दिक्कत देगी। बाकी यार ये हायाबूसा यार बहुत तगड़ी है जो ड्राइवर ने चुराई है, शायद से इसने अपने लिए चुराई है, क्या पता हमें गिफ्ट कर दे यार, मज़ा आ जाएगा। अगर ये हायाबूसा ड्राइवर ने हमें दे दी तो भाई मज़े, वरना हमें भी किसी की चुरानी पड़ेगी जैसे इसने चुराई। ओ बच गए भाई साहब। अब बस वही है यार, मुझे ना कोई ढंग की टनल ढूंढनी पड़ेगी। और इतनी सारी पुलिस की आर्मी, और ये क्या, ओ भाई निकाल ली निकाल ली निकाल ली। भाई साहब मुझे लग रहा था कि अब मैं ठुकने वाला हूँ और अब दोनों गाड़ी से उतर के मर जाएंगे, लेकिन यार क्या कटिंग निकाली है भाई वहाँ से, मतलब भाई खतरनाक ही सीन था वो। ओके तो गाइस बाकी आगे पे ना पूरा सीधा रास्ता है, बाइक जो है मैं पूरी की पूरी मैक्स स्पीड में ले जाने वाला हूँ। मतलब यार बस बाइक कहीं ठुके ना, मतलब मज़ा ही आ जाएगा भाई अगर बाइक अभी ठुकी ना तो। पूरी मैक्स स्पीड में इस टाइम ये जो बाइक है चल रही है, मेरे हिसाब से इसकी मैक्स स्पीड यही है। और आगे ये क्या है, ओ भाई साहब ये ट्रेन का ट्रैक था, काश हमारी बाइक यहाँ पर रुक जाए। लेकिन यार बाइक ने तो बहुत ही ज़्यादा लंबी जंप मारी है। ओके तो इस टाइम अभी हम रोड पर आ चुके हैं, रोड भी पार कर दिया भाई, कहाँ जाना जा रही है बाइक। ओके तो हम वापस से घूम फिर आके टनल के अंदर आ चुके हैं भाई। लेकिन ये जो भी था, तो ओके गाइस अभी मैंने मैप के अंदर एक टनल मार्क कर दिया, अगर वहाँ पर टनल हुई, क्योंकि मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि वहाँ पर टनल होती है या फिर नहीं होती, लेकिन मैंने एक बार ही देखी थी, तो अगर वहाँ पर टनल हुई तो यार अपने मजे आ जाएंगे। वो शायद से यहीं कहीं होती थी, अगर मिल जाए तो यार मज़ा आ जाएगा। फिलहाल अभी ओ भाई 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 मिल गई टनल, मिल गई मिल गई मिल गई। पुलिस वालों बेटा अभी तुम्हें मैं बताता हूँ, रुक जाओ। ओए भाई साहब पुलिस वाले ना देख ले मेरे को इस टनल के अंदर जाते हुए, वैसे देख तो लिया ही है लेकिन मैं फिर भी यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर एक बार इस टनल के अंदर मैं प्रॉपरली चला गया तो भाई पुलिस वाले मेरे को ढूंढ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। ओके तो अभी मैं राइट वाले रास्ते से निकल लेता हूँ, पता नहीं वाला रास्ता कहाँ जाकर निकलेगा। ओके तो भाई साहब क्या सही टनल है, पुलिस वाले अब भैया भूल जाओगे तुम मेरे को पकड़ भी पाओगे, मैं बहुत ज़्यादा खौफनाक रास्ते में आ गया हूँ अब। ओके तो पुलिस वाले अभी नहीं ढूंढने वाले भाई, आप नहीं पकड़ने वाले। ओके तो चलो गाइस अभी मेरे को लग रहा है इस टनल के अंदर मुझे थोड़ी देर बैठना चाहिए, अगर बाहर निकलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। और बाकी ये ना वही वाला रास्ता है जो कि सीधा एयरपोर्ट वाली मेट्रो से कनेक्ट होता है। ओके तो फिलहाल अभी हम टनल के अंदर आ चुके हैं और पूरा एकदम चुपचाप यहाँ पर बैठेंगे ताकि पुलिस वाले देख ना पाए। ओके शायद आगे से एग्जिट भी है तो मुझे ज़्यादा बाहर नहीं जाना, अगर बाहर निकलूंगा तो पुलिस वाले फिर से पीछे पड़ जाएंगे। बाकी तो यार बहुत लंबी टनल है, मतलब कोई छोटी मोटी टनल नहीं है भाई। GTA 5 में जितना लॉस सैंटोस ऊपर है उतना ही नीचे भी बना हुआ है भाई साहब। तो यार जो $5 मिलियन का हाइस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और पुलिस वालों ने हमारा पीछा छोड़ दिया है। अब बस हमें यहाँ से एक बारी एग्जिट कर लेना भाई। ट्रैवर भी खुश हो गया होगा, सबसे ज़्यादा खुशी ट्रैवर को हो रही होगी, क्योंकि ये जो मेन था जो हमने चोरी करी है बैंक की, ये हमने मेन ट्रैवर के लिए करी है, अपने लिए नहीं करी, अपने पास हमने काफ़ी पैसा है। लेकिन अब ट्रैवर के लिए भाई, ट्रैवर के पास भी काफ़ी पैसा हो चुका, बस इस टनल से एग्जिट हो जाता है एक बारी। तो ओके गाइस अभी ट्रैवर को हम अपने घर पर लेकर चलेंगे, वहाँ पर थोड़ा पैसा वैसा बांटेंगे, किसको कितना लेना है, फ्रैंकलिन को कितना देना है। फ्रैंकलिन अपना 200 से भी थोड़ा बहुत पकड़ा देंगे, क्योंकि यार ट्रैवर उसी के घर पर रहा था 2-3 दिन से और ट्रैवर की हेल्प भी फ्रैंकलिन ने करी थी, तो थोड़ा बहुत पैसा ट्रैवर उसे भी देगा। बाकी 70% बाकी 30% मैं रखूँगा। ओके तो यार अभी ना गाड़ी में कोई एग्जॉस्ट नहीं लगा तब इतना बढ़िया साउंड है, तो अगर हम गाड़ी में कोई ढंग का एग्जॉस्ट लगवा देंगे तो भाई साहब कितना तगड़ा साउंड हो जाएगा ना यार इस बाइक का। मतलब यार बाइक बहुत ज़बरदस्त है, मेरे को तो भाई मस्त मस्त लग रही है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ये वाली बाइक भी किसी की चुराई जाए, वरना यार कोई और ही बाइक खरीदेंगे। तो आप मुझे ना कमेंट में बताओ कि मुझे यार कौन सी बाइक लेनी चाहिए, मतलब माइकल को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अब फ्रैंकलिन के पास भी एक बाइक है आपने देखी है ब्लू कलर की,
अब ट्रैवर के पास भी वाली ग्रीन वाली हो चुकी है, अगर ट्रैवर दे तो बढ़िया है वरना हम दूसरी बाइक खरीदेंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताना मुझे क्या करना चाहिए, खरीदनी चाहिए दूसरी या फिर इससे मांगनी चाहिए, अगर खरीदनी चाहिए तो कौन सी खरीदनी चाहिए कमेंट में जरूर बताना। तो ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं माइकल के घर पर, अब यहाँ पर पैसा जल्दी से बांटते हैं, कपड़े बदलते हैं और चलेंगे ट्रैवर को नया घर दिलाने। और ट्रैवर ने अपने लिए नया घर देख भी रखा है, बस जाके पेमेंट करनी है। ओके तो मेरी लैम्बोर्गिनी, ओके मेरी लैम्बोर्गिनी यार फ्रैंकलिन के घर पर खड़ी हुई है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्रैंकलिन के घर पर है कोई दिक्कत नहीं, फ्रैंकलिन भी अपना भाई है वो तो दे देगा, पहले चुराई थी वो किसी और काम के लिए चुराई थी, समझ गए। ओके ट्रैवर अंदर आ जा भाई, अब जल्दी से चल के हम लोग पहले कपड़े बदल लेते हैं फिर चलेंगे सीधा बाइक लेकर नया वाला घर खरीदने ट्रैवर के लिए। तो ओके गाइस, अभी माइकल ने कपड़े बदले, अरे भैया ट्रैवर क्या कर रहा है रस्ते में खड़े होके, आ जा नीचे, चलो भाई चलते हैं अभी फटाफट से इसकी गाड़ी लेकर नया वाला घर दिलाने। तो मैं सोच रहा हूँ इसने भैया जो घर देखा है ना एक्लिप्स टावर में, ट्रैवर खुद ही देख कर आया था, ढूंढ रहा है बेचारा दो दिन से, क्योंकि इसे पता था भैया घर तो लेना ही है, अब गाँव का बंदा शहर में रहने आया, देखते हैं क्या होता है कितने का घर मिलता है वाला। बाकी इसने पता करा है, पहले मैं देखूंगा इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, बाकी अगर अच्छा लगा मेरे को अच्छा लगा तो भैया आज ही ले लेंगे, बेकार लगा तो अभी नहीं लेंगे। तो इसी वाले टावर के अंदर से ने घर देगा क्योंकि ये माइकल के आसपास ही रहना चाहता है। अब इस ये जहाँ पर घर लेना है ना, पीछे ही फ्रैंकलिन का घर है और सामने ही माइकल का घर है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तीनों दोस्त अपना साथ ही रहेंगे। और भाई साहब ये जो एक्लिप्स टावर है ना, इस लॉस सैंटोस का सबसे महंगा एरिया है, मतलब एरिया तो महंगा नहीं सबसे महंगी बिल्डिंग है। अगर यहाँ पर आपको गैराज लेना है वो भी सबसे महंगा होगा, घर लेना है फ्लैट लेना है वो भी सबसे महंगा होगा। तो चल आ जा भाई जल्दी से अंदर चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। ओके तो गैराज वगैरह सब है यहाँ पे भाई, काफ़ी अमीर अमीर बंदे रहते हैं लग रहा है यहाँ पे। तो चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा घर है, ड्राइवर को भी बुला लेते हैं, जल्दी आ जा भाई भाग के, थक गया है क्या तू, गाड़ी वाड़ी मैं चला रहा हूँ सब मैं कर रहा हूँ, थक तू रहा, आ जा ऊपर। ओके तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ट्रैवर के न्यू वाले घर के अंदर, और भाई साहब घर की जमीन वमीन भाई कितना तगड़ा घर है भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये तो। और यहाँ पर आप पीछे की तरफ में किचन देख पा रहे हो और किचन के अंदर हमें सारी चीज़ें दी गई है। और भाई साहब ये फायर का पता नहीं क्या लगा रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इधर एक इतना बड़ा टीवी है और स्पीकर्स लगे हो बड़े बड़े, नीचे सारा सेटअप हो रखा है भाई, दो दो बड़े बड़े पौधे भी दे रखे हैं यहाँ पर, टेलीस्कोप भी है भाई इसके घर में, काफ़ी अच्छी अच्छी सीनरी लगी हुई है और बहुत तगड़ा सेटअप हो रखा है। और भाई साहब इसके घर से व्यू कितना तगड़ा है, सब कुछ दिख रहा है भाई, लॉस सैंटोस का जितना भी बैक का एरिया जहाँ पर से हमने वो देखो वहाँ से प्राइम मिनिस्टर की वो चुराई थी लिमोज़िन फ्रैंकलिन ने, वो भी दिख रहा है भाई। ओके तो यहाँ से शायद फ्रैंकलिन का घर भी दिखेगा भाई, काफ़ी सही व्यू मिल गया। और इसका जो घर है पास में है, मतलब कि माइकल का घर भी दिखेगा यहाँ से, फ्रैंकलिन का घर भी दिखेगा। ओके ऊपर की तरफ चल के देखते हैं, एक फ्लोर और दिया तो यहाँ पर एक सिंपल सा बेडरूम दे रखा है और बेड एकदम मस्त सा लगा रखा है बीच के अंदर। और राइट में क्या चीज़ है, ओके तो राइट में ये तो वॉशरूम है, ठीक है काफ़ी सही है भाई साहब, इसका बाथरूम भी बहुत तगड़ा है भाई साहब, हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महंगी है, पता नहीं कितना महंगा घर होगा भाई, जितने की लूट करिए उसका तो लगभग 50% या इसी में लगा देगा ड्राइवर। चलो कोई नहीं बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा, इतना भी नहीं लगेगा, इतना भी महंगा नहीं होगा, बाकी है तो घर तो बहुत महंगा है। बाकी यहाँ पर शायद एक रूम और है तो वाला रूम भी देख लेते हैं हम, राइट के अंदर है वाला रूम। ओके तो भाई साहब ये है इसका गेमिंग रूम भाई साहब, इसलिए ले रहा है मेरे को अब समझ आ गया, यहाँ पर सारा सा गेमिंग सेटअप है, डुअल स्क्रीन मॉनिटर है, सीपीयू वगैरह सब लगे हुए हैं, लैपटॉप रखा हुआ है एक, लग रहा है लाइव स्ट्रीम वगैरह करेगा यहाँ पर ये। ओके यार बाकी मेरे को तो घर सही लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताना। अभी इसको हम छोड़ देते हैं फ्रैंकलिन के घर पर क्योंकि ये वहीं पर रह रहा है, अभी से मैं फ्रैंकलिन के घर पर छोड़ूंगा और वहाँ से अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर वापस आ जाऊँगा। अब पता नहीं फ्रैंकलिन क्या कर रहा होगा घर पर, बस गेट खोल दे भाई साहब, गेट खोल के वो सोते रहता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बाकी ये जो बाइक है ये बाइक भी वहीं खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि ड्राइवर की है, तो भैया ड्राइवर के तो मज़े आ गए भाई, इसे मज़े मज़े में कितनी तगड़ी बाइक मिल गई, उसको होश भी नहीं है भाई साहब, इसे खुशी नहीं हो रही क्योंकि ये चलाता नहीं है ज़्यादा, बाइक वाइक में इंटरेस्ट नहीं रखता, ये इंटरेस्ट रखता भाई चोरी चकारी में, गुंडाबाजी में, इन सब में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी चलते हैं फटाफट से फ्रैंकलिन के घर पर, इसे छोड़ देते हैं वहीं पे। ओके तो चलो अभी हम फ्रैंकलिन के घर पर पहुँचने वाले हैं भाई साहब, इसीलिए मेरे को ये वाली बाइक अच्छी लगती है, मतलब कि भाई स्पीड इसकी अलग ही लेवल है। ओके तो चलो भाई, ओए मेरी लैम्बोर्गिनी का, अच्छा शायद उसने पार्किंग के अंदर पार्क कर दी होगी। ओके तो चलो गाइस अभी हमने ड्राइवर को जो है फ्रैंकलिन के घर पर छोड़ दिया, अब अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर यहाँ से निकल लेते हैं अपने घर पर और अपनी गाड़ी को वहीं पर लेकर खड़ा कर देंगे। तो चल भाई भाई ड्राइवर चलते हैं। ओके तो गाइस अभी हमने गैराज से अपनी गाड़ी निकाल लिया भाई साहब, मतलब यार लैम्बोर्गिनी चलाने का अलग ही मजा है। अब हम चलते हैं अपने घर पर फटाफट से वरना दिक्कत हो जाएगी भाई, काफ़ी देर से हम बाहर घूम रहे हैं तो अभी चलेंगे घर पे, सोना वोना भी होता भाई, खाना पीना भी होता, फटाफट से घर पे चलेंगे। और अपनी गाड़ी का अलग मजा है, हायाभूसा का अलग मजा है भाई, दोनों ही चीज़ तगड़ी है। तो यार एक बाइक भी लेनी पड़ेगी यार, मतलब यार बाइक में ज़्यादा मज़ा आ रहा था अभी फिलहाल मेरे को, लेकिन लैम्बोर्गिनी जो है ना देखने में अच्छी लगती है तो इसलिए इसे चलाने में भी मज़ा आता है। ओके तो अभी चलते हैं, इसे वहीं पर खड़ा करेंगे और चल के सोएंगे। तो अगर आपको गाइस ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ यार जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर फॉलो नहीं करा है तो गाइस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट जाकर फॉलो कर लो, और दोनों जगह की आईडी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी तो जल्दी से जाओ फॉलो कर लो। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।